जो बड़ी बड़ी मीडिया की कंपनी चलाते हैं उसमें आपके कितने लोग? चलो अभी सिर्फ आदिवासियों की बात करते हैं। मीडिया के मालिकों में, मीडिया के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, उसमें आदिवासी कितने? क्यों नहीं? क्यों नहीं चाहिए? भैया आप क्या कह रहे हो? नहीं चाहिए क्या क्या मतलब आपकी? अरे भाई सुनो सुनो, देखो नहीं बात समझो, बात समझो। आपने कमरे में 100 लोग खड़े कर दिए, कमरे में, ठीक है, और फिर आपने कहा कि देखिए 100 में से 88 दलित पिछड़े आदिवासी लोग हैं। 88% पोजीशन लेंगे या ऐसे बैठे रह जाएंगे? लेंगे। आप अपनी शक्ति पहचानो। आपको अपनी शक्ति नहीं समझ आ रही है? जैसे ही आपने अपनी शक्ति पहचानी, देश हिल जाएगा। आपका मीडिया में एक आदमी नहीं है, एक पत्रकार का नाम बता दो, नेशनल लेवल का एक पत्रकार का नाम बता दो, आदिवासी का नाम बता दो। नहीं एक बताओ, मैं पहले एक बता दो, नाम बता दो। नेशनल लेवल पे आप टीवी देखते हो, एक भैया भैया डिस्टर्ब मत करो यार, भैया लोग सुन रहे हैं ना, आप क्यों बंद कर रहे? बाद में जितने नारे लगाने लगे यहाँ पे खड़ा करके मैं नारे लगा लेंगे, ठीक है? तो एक मुझे मीडिया में आदिवासी, पिछड़ा, दलित, ओबीसी एक दिखा दो, मुझे कहाँ है वो? मैं ढूंढ रहा हूं उसको। मीडिया में 24 घंटा कभी बॉलीवुड की बात होती है, सही? कभी नरेंद्र मोदी जी की बात होती है, देखो भैया देखो समुद्र के अंदर घुस गए, पूजा कर रहा है समुद्र के अंदर, कोविड आता है कहता भैया मोबाइल फोन की लाइट बजाओ, थाली बजा दो। तो मीडिया में आपकी बात क्यों नहीं आती? आपका कोई है ही? आपका वहां पे कोई है ही नहीं, बात कैसे आएगी? कभी आपने मीडिया में देखा कि आदिवासियों की जमीन देश में 24 घंटा छीनी जाती है? कभी देखा आपने? क्यों नहीं देखा? आपका वहां कोई है ही नहीं। बॉलीवुड की बात करते हैं, चलो बताओ भैया बॉलीवुड में मुझे एक दलित, एक आदिवासी एक्टर का नाम बता दो, एक ओबीसी एक्टर का नाम बता दो मुझे। नहीं आप देखते रहते हो, आप देश को देखते हो, 88% आपकी आबादी, आप मीडिया में और देखते हो कहते भैया हमारा तो है ही नहीं, फिर दूसरी ओर देखते हो कहते भैया हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनी है, उनकी मालिकों की लिस्ट निकालो, उसमें बता दो कितने हो आप लोग। अदानी पिछड़े वर्ग का है, ओबीसी है, दलित है, आदिवासी है, तो फिर अंबानी भी वही है, लिस्ट निकालो भाई, 200 में आपसे आपका एक नहीं मिलेगा। मैंने निकाली है, ऐसे नहीं बात करता मैं। आप लिस्ट निकालो, आपको वहां एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलने वाला। वहां पे 5% का राज चल रहा है, उसमें गरीब जनरल कास्ट भी नहीं है। गरीब जनरल कास्ट का बच्चा अगर मीडिया में बड़ा पत्रकार बनना चाहे, मीडिया कंपनी का मालिक बनना चाहे, वो भी नहीं कर सकता। नहीं देंगे, आगे जाने नहीं देंगे, शक्ति पहचानत नहीं। कैसे कैसे रोकेंगे आपको? जिस दिन आपको बात समझ आ गई, 88% को कोई नहीं रोक सकता।
कोई नहीं रोक सकता, और वो 88 नहीं है क्योंकि उसमें 5% गरीब जनरल भी जोड़ दो। तो आप मीडिया में नहीं हो, आप कॉर्पोरेट में नहीं हो, तो आपके लिए नरेंद्र मोदी जी ने फसल बीमा योजना शुरू की, सही? तो मुझे बताओ फसल बीमा योजना का कितना पैसा आता है हिंदुस्तान की सरकार से, बताओ। आपको ये सब आंकड़े मालूम होने चाहिए भाइयों बहनों, फसल बीमा योजना का कितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार भेजती है, कितना पैसा स्टेट की सरकार डालती है, बताओ। 33,000 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना में दिया जाता है, किसका पैसा है? 88% का जीएसटी से आता है, राइट? अब मुझे बताओ, अभी ठहर जाओ, 16 कंपनियां हैं, नाम दे दूंगा आपको, 16 कंपनियों को 33,000 करोड़ रुपए मिलता है। 16 कंपनियों की मैंने लिस्ट निकाली, मालिकों में आपका एक भी नहीं, सीनियर मैनेजमेंट में आपका एक नहीं। आंधी आती है, तूफान आता है, आपका नुकसान होता है, कंपनी वाले कहते हैं भैया आप जानो आपका काम जाने, हम आपको बीमा का पैसा नहीं देंगे, होता है ना? तो पैसा आपका 88% का जीएसटी से आया, गया 16 कंपनियों के हाथ में, वहां आपका एक आदमी नहीं। और जो पैसा आपके लिए भेजा था, बीमा योजना के लिए भेजा था, जब आपको जरूरत पड़ती आपसे कहते भैया तुम हटो यहां से, परे हो जाओ, तो आप बड़ी कंपनियों में नहीं। मुझे बताओ प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों में आपकी कितने, प्राइवेट अस्पताल का चलता कैसे है, चलता कैसे, किसके पैसे से चलता है? 88% से चलता है। जमीन दी जाती है, किसकी जमीन दी जाती है? 88%। आपने कभी अखबार में पढ़ा कि अडानी जी की जमीन अक्वायर कर दी गई? क्यों? नहीं, हर रोज आदिवासियों के पास जाओ, कहते भाई हमारी जमीन ले ली, दलितों के पास जाओ हमारी जमीन ले ली, ओबीसी के पास जाओ हमारी जमीन ले ली, मगर अडानी की जमीन कभी अक्वायर नहीं होती, कभी नहीं। वो सबके अक्वायर करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता, उसी को ही अक्वायर करता। उसने ऐसा क्या काम कर दिया कि उसकी एक इंच जमीन नहीं अक्वायर हो सकती, और 88% की 88% की 24 घंटा अक्वायर हो रही है। वेदांता ने दिया, सब ने दिया भैया। आप मोदी जी को समझो, मोदी जी का काम, मोदी जी बोलते हैं कि मैं ओबीसी हूं, सबसे पहले ओबीसी नहीं, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के व्यक्ति थे। गुजरात में बीजेपी ने कानून बदला और उनकी जात को ओबीसी बनाया, मगर सवाल यह नहीं है कि नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं या नहीं, सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में 88% के लिए क्या किया। ये तो अब ना आप मीडिया में, ना प्राइवेट अस्पताल आपके हाथ में, प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट स्कूल बता दो, मुझे बता दो, ये बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल कंपनीज हैं, कॉलेज चलाने वाली कंपनी है, बता दो इसमें इनके मालिकों में बता दो पिछड़ा कौन, ओबीसी कौन, दलित कौन, आदिवासी कौन, बता दो, नाम बता दो, एक नहीं। तो आप इधर उधर देख रहे हो, इसके बारे में कुछ कभी करोगे नहीं करोगे? मैं आपको बता रहा हूं कि आपसे 24 घंटा चोरी हो रही है और आपसे ले रहा हूं, यू कर रहे हो, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, सिर हिलाते जा रहे हो, इससे क्या हो रहा है तुम्हारा, कुछ हो रहा है? ये देखो, ये सवाल उससे भी गहरा है,
ये सवाल उससे भी गहरा सवाल है, मैं फालतू सवाल नहीं करता हूं। ये सवाल है